थ्री लिटिल पिग्स। एक बार एक घने जंगल के बीच एक मम्मी पिग अपने तीन बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। सबसे बड़े का नाम एलडी, दूसरे का मिडली और तीसरे का योली था। एलडी हमेशा से ही आलसी था। वो किसी तरह अपना काम जल्दी खत्म कर लेता। मिडली इतना आलसी नहीं था, पर उसे भी काम करना पसंद नहीं था। दूसरी ओर योली बहुत ही चालाक और मेहनती था। एक दिन, अरे देखो तो आज का दिन कितना खूबसूरत है, चलो ना हाइड एंड सीक खेलते हैं। बहुत ही बढ़िया आइडिया है, चलो खेलते हैं। पहले कौन पकड़ेगा? हर बार की तरह हम इंकी पिंकी पोंकी कहेंगे। तीनों भाई एक सर्कल में खड़े हो गए। इंकी पिंकी पोंकी, पापा के पास डोंकी, डोंकी मरा, पापा बोले इंकी पिंकी पोंकी, तुम निकल गए। अब हम दोनों बाकी हैं। इंकी पिंकी पोंकी, पापा के पास डोंकी, डोंकी मरा, पापा बोले इंकी पिंकी पोंकी, तुम भी निकल गए। आ, मेरी बारी है। चलो तुम दोनों जाकर छुप जाओ, मैं तुमको ढूंढूंगा। मेडली और यूली दो अलग अलग जगह पर छुपने चले गए। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 15, 20, 22, 23, 24, 25, मैं आ रहा हूँ। वो लोग कहाँ छुपे होंगे? क्या वो उस पेड़ के पीछे होंगे? अचानक एलडी ने यूली की आवाज सुनी। भागो, भागो, यहाँ से भागो, 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 भागो। तीनों अपने घर में चले गए। क्या हुआ बच्चों, इतने घबराए हुए क्यों हो? मैंने एक फॉक्स देखा। फॉक्स? अरे बाप रे! मम्मी पिग बहुत गुस्सा हो गई। अब तुम तीनों मेरी बात ध्यान से सुनो। वक्त दर वक्त मैंने तुम्हें जंगल में अकेले घूमने के लिए मना किया है, क्योंकि वहाँ पर एक फॉक्स तुम तीनों को खाने के लिए बैठा है। मम्मी, मैंने इनको कहा था, पर ये दोनों मेरी कहाँ सुनते हैं? मुझे तुम तीनों की बहुत फिक्र होती है। ध्यान रखो और हमेशा साथ में रहना। सॉरी मम्मा, हम आपकी बात मानेंगे। ठीक है, अब बाहर जाओ और खेलो, मुझे खाना बनाना है। ओके मॉम। मेरी बात का ध्यान रखना, साथ में रहना और घर के आसपास ही खेलना। तीनों बाहर खेलने चले गए। उतने में दूसरी ओर मिस्टर फॉक्सी नाम का फॉक्स तीनों पिग्स को खाने का मौका ढूंढ रहा था। आ, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, सब साथ में खेल रहे हैं, इन तीनों के अलग होने का इंतजार करना पड़ेगा। महीनों बीतते गए और तीनों पूरा दिन एक साथ खेलते रहते। फिर एक दिन, हम यहाँ हैं मम्मी। बच्चों, खाने का वक्त हो गया। सूप बहुत टेस्टी है मम्मा। बच्चों, अब तुम तीनों बड़े हो गए हो, अब तुम्हें खुद का एक घर बना के वही रहना होगा। तुम्हारे पापा ने ये घर बहुत मेहनत से बनाया था, मैं चाहती हूँ तुम भी ऐसा ही एक घर बनाओ। लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे की फिक्र करने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें सोचना है। सोच लो और कल सुबह मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। तुम्हें अपने पैरों पे खड़े होना होगा। ठीक है मम्मी। फिर उस रात, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी। लेकिन हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे और बातें भी करते रहेंगे, ठीक है ना? तुम सही बोल रहे हो छोटे भाई। अगले दिन वो तीनों सुबह सुबह उठ गए।
गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मम्मी। ठीक है, जैसे कि मैंने तुमसे कहा था, मैं तुम तीनों बच्चों को बिल्कुल बराबरी में पैसा बांट रही हूँ। ये लो, घर बनाकर हमेशा खुशी खुशी रहना। ठीक है मम्मी। लेकिन मैं तुम्हें फिर से कह रही हूँ, वो चालाक फॉक्स वापस आएगा और दोस्ती करने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा, कुछ भी हो जाए तुम्हें उसे अपने घर में घुसने नहीं देना होगा, समझे? हम वादा करते हैं मामा, हम फॉक्स को हमारे बिल्कुल भी नजदीक नहीं आने देंगे। तीनों ने मम्मी को यही वचन दिया और मम्मी ने उनको एक बैग दी। गुड बाय मम्मी। बाय बच्चों, ध्यान रखना। अपनी मम्मी को बाय कहके तीनों अपने अपने रास्ते निकल पड़े। तो हम चले अपना घर बनाने, अपना घर बनाने, अपना घर बनाने, और उस चालाक फॉक्स से खुद को बचाने। सबसे पहले हमें घर बनाने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढनी होगी। तीनों काफी दूर चले। हम बनाएंगे अपना घर, अपना घर, अपना घर, रहेंगे खुश उस चालाक फॉक्स से ना डर डर। ये जगह अच्छी लग रही है, क्या हम यहाँ घर बना सकते हैं? क्या तुम्हें पैरों के निशान दिखे? लगता है मिस्टर फॉक्सी यहाँ से अभी निकले हैं। यहाँ घर बनाना बहुत खतरनाक हो सकता है। वो थोड़ी और दूर चले। तो ये जगह कैसी लगी? नहीं, यहाँ भी ठीक नहीं है। हर बार तुम्हारा कोई ना कोई बहाना तैयार रहता है। एक काम करो, अब तुम ही जगह ढूंढो। काफी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार उन तीनों ने एक जगह के लिए हामी भरी। ये हुई ना बात। ठीक है, अब सोचना होगा कि हम अपना घर किस चीज से बनाएंगे। क्यों ना लकड़ी का इस्तेमाल करें? उसमें बहुत टाइम लगेगा। घास से घर बनाते हैं, काम भी जल्दी हो जाएगा और हमारा टाइम भी बचेगा। नहीं रुको, हमें अपना घर ईंटों से बनाना चाहिए। घास का घर ही हम तीनों के लिए एकदम सुरक्षित रहेगा। मैंने सोच लिया है, मैं लकड़ी से ही घर बनाऊंगा। तो ठीक है, हम अपना अपना काम खत्म करने के बाद ही मिलते हैं, समझे? और तीनों सामान लाने के लिए अलग अलग निकल गए। एलजी एक दुकान पर गया जहां स्ट्रॉ मिलती थी। हेलो सर, मुझे कुछ घास खरीदनी है। कौन कौन है वहां? अरे मैं हूँ, नीचे देखिए। ओ पिगलेट, तुम्हें घास का क्या काम है? मैं उनसे अपना घर बनाने वाला हूँ। घर बनाना है? मजाक तो नहीं कर रहे? तुम घर कैसे बनाओगे? खैर जाने दो, जब तक मुझे पैसा मिल रहा है मुझे क्या लेना देना। हाँ मैं पैसे दूंगा, ये लीजिए पैसे। एलडी ने स्ट्रॉ के पैसे दिए और लेकर गया। मुझे तो लगता है इस घास से मैं एक ही दिन में घर बनाकर तैयार कर दूंगा। दिन के अंत से पहले एलडी ने एक छोटा सा स्ट्रॉ का घर बना लिया। अरे वाह, ये घर तो बढ़िया है और सुंदर भी। उन दोनों को तो घर बनाने में काफी वक्त लगने वाला है। उसी वक्त मिडली लकड़ा खरीदने मार्केट गया। क्या यहाँ पर कोई है? हाँ हाँ, बोलिए क्या चाहिए। मैं यहाँ कुछ वुडन प्लैंक्स खरीदने आया हूँ। लकड़ियाँ? तुम्हें वो क्यों चाहिए? घर बनाने के लिए। एक पिक खुद का घर बनाएगा, ये तो कभी नहीं सुना।
जी हाँ, एक चालाक फॉक्स से बचने के लिए। अच्छा ठीक है, लेकिन उसे खरीदने के लिए पैसा लगेगा। मैं आपको पैसे दूंगा। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? दुकानदार ने मिडली को लकड़ा दे दिया। मिडली ने लकड़े का घर बनाना शुरू किया और उसे बनाते बनाते 2 दिन लग गए। आज के दिन में तो बहुत मेहनत हो गई, आखिरकार मेरा घर बन ही गया। अब वो फॉक्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, काफी मजबूत घर है। उतने में यूली अपना सामान लेने गया। यूली एक दुकान में ईंट खरीदने गया। मैं अपना नया घर बनाऊंगा सिर्फ और सिर्फ ईंटों से। हेलो, मुझे कुछ ईंटें खरीदनी थी। क्या मजाक कर रहे हो? नहीं, मजाक नहीं कर रहा, मैं यहाँ ईंट खरीदने ही आया हूँ। बताइए कितना पैसा होगा? जरा बताओगे तुम इन ईंटों का क्या करने वाले हो और तुम्हें कितनी ईंटें चाहिए? मैं इनसे एक घर बनाऊंगा, ऐसा घर जो मुझे उस चालाक फॉक्स से बचा कर रखेगा। ओह, फिर तुम ये सारी खरीद सकते हो। ये लो, तुम्हें जितनी चाहिए ले सकते हो। याउली ने ईंट खरीद कर एक के ऊपर एक जमा दी। उसने बहुत दिनों तक मेहनत की और फिर जाके उसका घर बना। कुछ दिन बाद एलडी अपने भाई योली को मिलने उसके घर गया। आओ मेरे भाई, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ और खुश भी, तुम कैसे हो? और इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? मुझे देखो, मुझे अपना घर बनाने में सिर्फ एक ही दिन लगा। अच्छी बात है भैया, मुझे एक मजबूत और बढ़िया घर चाहिए, इसलिए वक्त लग रहा है। मुझे कोई परेशानी नहीं है। और सुनिए, आज रात मेरे साथ ही खाना खाइए। क्यों नहीं? एलडी और याउली ने साथ में डिनर खाया। याउली को 2 दिन और लगे अपना घर खत्म करने। उसका घर चिमनी वाला खूबसूरत सा घर था। अगले दिन मिडली को भी याउली का घर देखना था। मुझे उसका घर बेसब्री से देखना है, आज जाके यूली से मिलना ही पड़ेगा। मिडली घर देखकर चौंक गया था। अरे छोटे भाई, तुम्हारा घर बहुत बढ़िया लग रहा है। शुक्रिया। और बताइए कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। काफी देर बातचीत करने के बाद मिडली वहां से चला गया। वक्त गुजरता गया। मैंने सुना है कि वो तीनों भाई अब अलग अलग रहते हैं। अब समय आ गया है उनका शिकार करने का। एक दिन हर रोज की तरह एलडी अपने घर पे आराम कर रहा था। उसने अपने दरवाजे पे खटखट के साथ एक अजीब सी आवाज सुनी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ एलडी? मुझे तुम्हारा नया और सुंदर घर देखना है। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे अंदर आने दो। पक्का ये आवाज फॉक्स की ही है, मुझे ध्यान रखना होगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता। मुझे पता है तुम फॉक्स हो और हमारी मम्मी ने ये पहले ही बता दिया था, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। ओह, मेहमानों से ऐसी बातें करते हो? अभी बताता हूँ कौन हूँ मैं। बस एक फूंक मारूंगा और तुम्हारा घर टूटकर बिखर जाएगा, फिर तो बाहर आना ही पड़ेगा। मिस्टर फॉक्सी ने एक लंबी सांस भरी और जोर लगाकर पूरे दम से फूंक मारी।
अगले ही पल सूखी घास से बना हुआ ये घर बस अब एक ढेर बनकर रह गया। ये सब देख के एलडी को बहुत डर लगा। देखी मेरी ताकत, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। मिस्टर फॉक्सी वहां खड़े खड़े खुद की तारीफ करने में लगा था। भागने के लिए यही सही वक्त होगा। एलडी ने मौके का फायदा उठाया और मिडली के घर की ओर भागा। अरे नहीं, ये तो भाग रहा है। मिस्टर फॉक्सी एलडी का पीछा करने लगा, पर उतने में एलडी मेडली के घर तक पहुंच गया। वापस आओ, वापस आओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कहां भाग रहे हो? मिडली, मिडली, जल्दी से दरवाजा खोलो, जल्दी। बात क्या है? मिडली ने दरवाजा खोला। दरवाजा बंद करो, जल्दी करो, वो फॉक्स मेरा पीछा कर रहा है। ओह, काश ये घर थोड़ा मजबूत होता। दरवाजे के सहारे खड़े हो जाते हैं ताकि वो अंदर ना आ पाए। एलडी और मिडली दोनों दरवाजा पकड़कर खड़े हो गए। तब मिस्टर फॉक्सी ने दरवाजा खटखटाया और बाहर खड़े खड़े पिग्स की बातें सुन ली। उसके मुंह से पानी आने लगा। आज तो उसे डिनर में दो दो पिग्स मिलने वाले थे। मेरी बात सुनो बच्चों, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हें गलत फहमी हुई है। चले जाओ, हम दरवाजा नहीं खोलने वाले। यहाँ वक्त बर्बाद मत करो, चले जाओ। आह, फिर से मुझे अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, और कोई चारा नहीं है। मिस्टर फॉक्स ने फिर से लंबी सांस भरी और जोर से फूंक मारकर घर गिरा दिया। लकड़े से बना ये घर भी पत्तों की तरह बिखर गया। कहाँ गए ये लोग? ए छोटे बच्चों, कहाँ हो तुम? किसी तरह अपनी जान बचाकर एलडी और मिडली वहां से भागे और यूली के घर की तरफ पहुंचे। खुशकिस्मती से याओली खिड़की से झांक रहा था। उसने अपने भाइयों को भागते हुए देखा और तुरंत दरवाजा खोलकर उनको अंदर ले लिया। आप दोनों भाई इतने डरे हुए क्यों हो? वो फॉक्स हमारे पीछे है, हमें बचा लो प्लीज प्लीज। आप फिक्र मत कीजिए, आप दोनों यहाँ सुरक्षित हैं, सब ठीक हो जाएगा। उसी वक्त दरवाजे पर किसी ने जोर से खटखटाया। ये घर तो बाकी दोनों घरों से मजबूत है, इसका मेरी फूंक से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। उफ, उफ, उफ। उसने एक फूंक मारी, दो फूंक मारी, तीन फूंक मारी। उफ, उफ, उफ। मैं ये घर तोड़ नहीं पाऊंगा, ये बहुत मजबूत है, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। फॉक्स वहां से हार कर चला गया। थैंक यू, थैंक यू, हमें बचाने के लिए थैंक यू। अब समझ में आया क्यों मैं ईंटों से घर बनाना चाहता था। चलो कोई बात नहीं, आप दोनों मेरे साथ रह सकते हो। अगले दिन यावली ने दरवाजे पे एक आवाज सुनी। कौन है वहाँ? मुझे अंदर आने दो बेटा, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना लाया हूँ, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। नहीं नहीं मिस्टर फॉक्सी, मैं आपके लिए दरवाजा नहीं खोलूंगा, मैं आपकी चालों में नहीं फंसूंगा, चले जाओ। फॉक्स फिर से हार गया और मायूस होकर वहां से चला गया।
मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। किसी ना किसी तरह इस यूली को मैं मजा चखा के रहूंगा। अगले ही दिन फॉक्स ने फिर से दरवाजा खटखटाया। कौन है? छोटे पिग, मुझे पता है मूली के खेत कहाँ पर हैं। कहाँ? वो पहाड़ के नीचे। और अगर तुम कल फ्री हो तो हम दोनों साथ जाकर डिनर के लिए कुछ ला सकते हैं। चलो ठीक है, मैं तैयार रहूँगा। हम लोगों को कब तक यहाँ से निकलना होगा? कल ठीक 6 बजे। मैं आपसे कल मिलता हूँ। फिर अगले दिन याओली जल्दी ही जाग गया। मिस्टर फॉक्सी के आने से पहले मुझे टर्निप्स लेकर आना होगा। याओली घर से निकला और 6 बजे से पहले ही टर्निप्स लेकर लौट आया। फॉक्स 6 बजे आ गया। छोटे पिग, क्या तुम तैयार हो? तैयार? मैं तो वहाँ कब कब जाके भी आ गया और डिनर के लिए बहुत सारे टर्निप्स भी लेकर आया हूँ। क्या तुम जाकर भी आ गए? चलो कोई बात नहीं, तो अब मुझे इस पिग को किसी और जाल में फंसाना होगा। छोटे पिग, मुझे पता है यहाँ पास में बढ़िया आलू के खेत कहाँ पर हैं। तुम खाने के लिए उन्हें ला सकते हो। कहाँ कहाँ है आलू का खेत? उस पहाड़ के पीछे। अगर तुम मुझे धोखा नहीं दोगे तो कल 5 बजे मैं तुम्हारे साथ आऊंगा और साथ में आलू लेकर आएंगे। ठीक है, मैं 5 बजे तक तैयार रहूंगा। इस बार हम साथ में जाएंगे। अगले दिन छोटा पिग ठीक 4 बजे जाग गया। फॉक्स के आने से पहले ही छोटा पिग आलू लेकर लौट आया। ठीक 5 बजे फॉक्स ने दरवाजा खटखटाया। छोटे पिग, क्या तुम तैयार हो? नहीं, तुम जाओ, मैं अभी अभी जाके आया हूँ। फॉक्स को गुस्सा तो बहुत आया पर उसने अपने आप को शांत रखा। ठीक है, कल हम मेले में जाएंगे। बोलो, तुम्हें मजा करना है? ओह, उसमें तो बहुत मजा आएगा, लेकिन कितने बजे? ठीक 4 बजे, लेकिन इस बार प्लीज मुझे बेवकूफ मत बनाना। ठीक है, मैं रुकूंगा। फॉक्स वहां से निकल गया। अगली सुबह फॉक्स ने चालाकी दिखाई और 3 बजे ही फेयर में जाकर केटल खरीद कर आ गया। मुझे पता है कि वो छोटा पिग अब तक निकल गया होगा, मैं उसे रास्ते में ही पकड़ लूंगा। याओली फेयर से लौट रहा था और उसने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी। घबरा कर वो वहीं पर जम गया। मुझे लगता है वो फॉक्स मेरा पीछा कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा? याओली पहाड़ के ऊपर भागा और उस केटल में अपने आप को बंद करके नीचे चला गया। फॉक्स ने जब देखा कि केटल तेजी से नीचे आ रही है तो वो डर गया। फॉक्स उसके सामने से हट गया। हाश, बच गया। फॉक्स निकलने ही वाला था कि उसने देखा कि केटल ब्रिक हाउस के सामने रुक गई और याओली बाहर निकला। याओली फौरन घर में घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया? तुम्हें लगता है तुम मुझसे इतनी आसानी से बच जाओगे? तुम गलत हो। बताता हूँ फॉक्स क्या कर सकता है। मिस्टर फॉक्सी घर के पास गया और कहीं से भी अंदर घुसने का रास्ता ढूंढने लगा। अरे वाह, ये रही सीढ़ी। अब मैं ऊपर चढ़कर चिमनी से घर के अंदर घुस जाऊंगा। याओली ने ये देखते ही अपने भाइयों को बुला लिया। प्लीज, क्या तुम उस कोने से कुछ लकड़ियां लेके इस आग में डाल दोगे?
यावली ने केटल में पानी भरा और आग के ऊपर रख दिया। तुम क्या करने वाले हो भाई? वो चालाक फॉक्स हमारी चिमनी से घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। मैं अभी उसे मजा चखाता हूँ। कैसे? देखते जाओ अब क्या होता है। पानी उबलने लगा था। उतनी देर में मिस्टर फॉक्सी सीढ़ी पर चढ़ गया था। मैं आ रहा हूँ छोटे पिग्स, तुम तीनों एक ही जगह पर हो, आज तो खाने का मजा आएगा। मिस्टर फॉक्सी किसी तरह उस चिमनी में अंदर जाने की कोशिश करने लगा। पहले अपने पैर डाले और फिर धीरे धीरे करके नीचे उतरा। तीनों भाई डर के मारे कांप रहे थे, पर मिस्टर फॉक्स उबलते हुए पानी में गिरा और दर्द के मारे उछलने लगा। वो इतना जोर से उछला कि वो चिमनी से सीधा घर के बाहर उड़ा। तीनों भाई खुशी से पागल हो गए। उसकी पूंछ और उसका शरीर जल गया होगा। हमने बहुत सही काम किया है। आज के बाद वो हमसे नहीं टकराएगा। हमें तुम पर बहुत गर्व है छोटे भाई। फॉक्स के जाने के बाद अब से हम चैन से जी सकते हैं। हाँ तुमने सही कहा, पर मिडली याद रखना हमें जल्दी से काम शुरू करना होगा। काम? कैसा काम? घर नहीं बनाना है क्या? हाँ, लेकिन घास और लकड़ी का नहीं बल्कि ईंट का। तुरंत दोनों ने दिल से काम करना शुरू कर दिया और जल्द ही दो नए ब्रेक हाउसेस यावली के घर के पास बन गए। वाह बढ़िया, अब हम तीनों साथ में रह सकते हैं। हाँ, और वो भी उस फॉक्स से बिना डरे। हाँ बिल्कुल सही कहा। मिस्टर फॉक्सी उन तीनों के घरों के सामने से गुजरा तो सही, पर जब उसने तीन चिमनियां देखी तब उसे अपनी जली हुई पूंछ याद आ गई। अरे नहीं, तीन चिमनी, बेहतर होगा यहाँ से निकल लेता हूँ। और फॉक्स दुम दबा के वहां से भाग गया। यावली ने खिड़की से उसे भागते हुए देखा और जोर जोर से हंसने लगा। उस शाम जब तीनों भाई मिले, आपको भी आज का नजारा देखना चाहिए था। क्यों, क्या हुआ? फॉक्स आज सुबह यहाँ आया था और वो तीनों घर देख के भाग गया। वो वापस कभी नहीं आएगा। उसने सबक सीख लिया है। हाँ बिल्कुल। आखिरकार अब सब कुछ ठीक हो गया था। दयालु यावली ने अपने भाइयों को बुलाकर कहा, अब कोई काम बचा नहीं, चलो खेलते हैं। हाँ हाइड एंड सीक। तो शुरू करें। इंकी पिंकी पोंकी, पापा के पास डोंकी, डोंकी मरा, पापा बोले इंकी पिंकी पोंकी।